ये है रूट्स, एक स्पेशल लेग्यूमिनस प्लांट जिसका नाम है एस्पैरेगस। तो ये है पावर पैक प्रोटीन। अब रूट्स में क्या होता है, इनके अंदर होते हैं ये सारे नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। अब राइजोबियम और इस प्लांट एस्पैरेगस का एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अगर आप इसको नोड्यूल को खोल के देखो तो इस नोड्यूल के अंदर होता है एक सॉफ्ट एरिया जो कि चाहिए राइजोबियम बैक्टीरिया को एज अ शेल्टर। तो वो प्लांट से शेल्टर लेता है और साथ में फूड लेता है। तो कितना मेशी एरिया है। तो ये वहाँ से शेल्टर और फूड लेता है, इन रिटर्न ये प्लांट को एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके देता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया धीरे धीरे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो बन जाता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होके रूट्स के थ्रू वो नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स पानी के साथ ऊपर जाना शुरू कर देते हैं और वो बना देते हैं फिर प्रोटीन्स। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन इज गेटिंग फिक्स्ड एंड प्रोटीन इज बीइंग फॉर्मड ओनली इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब आप मुझे बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में, name any three leguminous plant which we take in our daily life. Hope it helps. Follow for more.